हेलो जी नमस्कार सलाम सताल विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ आकाश बायजूज नीट यूट्यूब चैनल मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक और बेहतरीन सेशन लेकर के रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड्स के बारे में आपको बताऊंगा टेम्परेरी कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड्स क्या होते हैं पर्मेंट कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड्स क्या हैं? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसे कहते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड कौन सा है और भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड कौन सा है ठीक है जी सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस से आपकी नोट्स कॉपी साथ के साथ रेडी रहनी चाहिए जहां भी मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बात अक्सर नीट एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो आप नोट जरूर कर लीजिएगा अपनी हैंडराइटिंग से जो नोट्स आप बनाते हैं वो हमेशा आपके लिए काम आएंगे वो आपके सच्चे साथी हैं ठीक है एन की किताब अगर आप साथ के साथ खोल के रखना चाहें तो बड़ी ही बेहतरीन बात है नहीं तो आप मेरे लेक्चर के बाद भी एन में से ये चीज़ें पढ़ सकते हैं हेलो प्रेम हेलो श्रुति खुशी अनु लक्ष्मी रहमान सना ग्रेट ग्रेट जी सो वंस अगेन आप सबको प्यार भरा नमस्कार मेरी तरफ से ढेरों गुड विशेष बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और आपके माता पिता को भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार तो एक पॉजिटिव सोच एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं हेलो गुरलीन सैनी कैसे हैं आप विष्णु बढ़िया हैं जी wonderful जी अभी सोनम आशीष अनिकेत वासु शिवानी wonderful. खुशी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुष्मिता तुम कैसी हो अच्छा एक छोटी सी बात आ, आकाश वाइजूस की ये ऐप अपने एंड्रॉयड फोन या अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लीजिए चौदह दिन का फ्री ट्रायल है आपके लिए इसमें ढेर सारे वीडियोस, एनिमेशन क्वेश्चन बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स रिलेटेड टू नीट तो चौदह दिनों का फ्री ट्रायल है राइट right? करेंगे इस्तेमाल बिल्कुल जी वंडरफुल जी चलो प्रेम कह रहे हैं कि सर अब शुरू कर दीजिए चलो प्रेम हमने आपकी बात मान ली प्रेम से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल करिए सब्सक्राइब और आगे बढ़ते हैं एग्जाम ये बात भी मैं हमेशा कहता हूं आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम फ्री रजिस्ट्रेशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रजिस्टर कर दीजिए हो सकता है हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाए आपको है ना कोई बुरी बात थोड़ी है एग्जाम ही तो देना है हमें ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसे चाहे दे सकते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना उसमें सारी डिटेल्स मिलेंगी नासा जाने का मौका भी तो मिल सकता है है ना चलो जी व सो ड्रॉपर बैच हमारा चल रहा है और ये हैं जी वो सभी अध्यापक गण जो आपको मेंटर कर रहे हैं केमिस्ट्री में फिजिक्स में बॉटनी जोअलॉजी मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके साथ ट्यूसडेज को लाइव होता हूँ थर्सडेज को भी लाइव होता हूँ राइट right? इसके अलावा फ्राइडे को भी होता हूँ फ्राइडे को छः बजे मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी करा रहा हूँ आज जैसे आपको क्या क्या पढ़ा रहे हैं? हम थर्सडे है आज तीन बजे आप मुझसे मिल रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ बजे छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ क्लास फोर्थ से लेके क्लास टेन तक के बच्चों के लिए यदि आपके छोटे भाई बहन है घर में है ना या कोई जानकार है और वो अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्टीट्यूड चेक करना चाहते हैं और उनको भी हंड्रेड परसेंट फ्री स्कॉलरशिप मिल सकता है एंड आई सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया बहुत से लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद होता है ना तो ये भी एक सुनहरा अवसर हम आपको दे रहे हेलो आकाश कैसे हैं जी चले जी प्रॉ प्यारी से कोटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी है ना हौसला बनाए रखिए कोशिश करते रहिए एक पॉजिटिव दिशा की तरफ एक सही मेंटर के गाइडेंस में आपको सफलता अवश्य मिलेगी चलो सो लेट स्टार्ट द सेशन मेरी कोटेशंस आपको पसंद आती है ना अच्छा मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे कोटेशंस भेजा करो मैं आपके द्वारा भेजी गई कोटेशन यहां पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपका नाम लेकर के प्रॉमिस करता हूं तो आप सब मुझे मेरे टेलीग्राम आई पे कोटेशन भेजना मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो मैं आपकी भेजी हुई कोटेशन जरूर दिखाऊंगा भाव्या सना प्रदीप हाँ गुरलीन मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे चलिए अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे और आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं आप जानते हैं कि जनसंख्या न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ी है अगर हम देखें पिछले सालों के कंपैरिजन में करंटली सिचुएशन क्या है सो द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी 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 फास्ट रेट दो बिलियन से बढ़ के चार बिलियन हुई छः बिलियन हुई आठ बिलियन हुई अगर इतनी तेजी से ही जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी धरती तो उतनी है जमीन तो उतनी है उपज को भी एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं पैदावार को है ना तो जिंदा रहने के लिए हमें फीडिंग ब्रीडिंग करना है तो ऑब्वियसली हमें भरपेट भोजन भी चाहिए है ना जी अंकुर सही कहा मैंने ऋतिक रोशन जी कैसे हैं सुष्मिता आप मुझे सर्च कर सकते हैं इंस्टा पे मेरे नाम से ही मैं आपको मिल जाऊंगा आयशा बेटा सुनो पॉपुलेशन आउटबर्स से क्या मतलब है पॉपुलेशन विच एक्सीड्स इट्स सस्टेनेबल साइज इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अगर हम पूरे विश्व की बात करें पूरे वर्ल्ड में वन इन एवरी सिक्स पर्सनस इन द वर्ल्ड इज़ एन इंडियन अच्छा ये कोई गर्व की बात नहीं है कहने का मतलब है मान लो पूरे दुनिया में जो है 600 लोग रहते हैं है ना तो 600 में से 100 इंडियन है यही तो कहने का मतलब हुआ कि एवरी सिक्स पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन एंड इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन ऐसा होना सही बात नहीं है अकाल वाली स्थिति भी आ सकती है फर्टिलिटी रेट से क्या मतलब होता है एक शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे फर्टिलिटी रेट टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ अन इन हर लाइफ टाइम दैट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट आइडियली टोटल फर्टिलिटी रेट दो होना चाहिए है ना आपने बहुत सारे सरकारी अस्पतालों के बाहर होर्डिंग भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे प्रिंट मीडिया ऑडियो विजुअल मीडिया पे देखा होगा कि भाई हम दो हमारे दो छोटा परिवार सुखी परिवार बहुत सारे सरकारी और गैर संस्कारी संस्थाएं अक्सर लोगों को एजुकेट करने के लिए ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स भी निकालती हैं तो इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जितना छोटा होगा परिवार उतना ही सुखी होगा लोगों की ये गलत मानसिकता है पर्टिकुलरली गांव देहात में ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो आजीविका का साधन बनेंगे कि भाई वो पैसा कमा करके लेके आएंगे बच्चे अभी मान लीजिए सात आठ साल के होंगे तो उन्हें किसी न किसी काम पे लगा देंगे तो घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे आमदनी बढ़ेगी ये सोच गलत है बिल्कुल भाई अगर बच्चे इस दुनिया में हम उन्हें लेके आए हैं तो अच्छी शिक्षा अच्छा पालन पोषण रहन सहन वो भी तो हमारा फर्ज बनता है ना उन्हें देने का एग्री करेंगे आप मेरी बात से नितिन कौस्तभ सही कहा ना मैंने ठीक है जी चलिए जी आगे बढ़ते हैं नौ एज द टाइम पासिस बेबीज दे ग्रो टू बिकम एडल्ट पेरेंट्स एंड द एज एंड द डाई बट द पॉपुलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवरऑल हम जानते हैं अगर दो दो इंडिविजल ही हर परिवार में हूँ कि दो बच्चे पैदा हों तो एक अच्छी सिचुएशन है जैसे कपल है पॉपुलेशन साइज हमने एन ले लिया है ना उसके बाद मैंने आपको क्या दिखाया है जी एन प्लस टू हो गए और उसके बाद फिर से एन जो पैदा हुआ है वो एक दिन अफकोर्स मृत्यु को प्राप्त भी होगा ये बात बेसिक है ना पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या है आप जानते हैं भाई बहुत सारे रीजन है इस चीज के हमारी कंट्री में अभी भी बाल विवाह होता है चाइल्ड मैरिज होती है राजस्थान के कुछ एरियाज में और भी कई एरियाज में अभी भी चाइल्ड मैरिज देखा गया है एंड देन देर इज अ प्रेफरेंस फॉर द मेल किड है ना हर परिवार में एक सोच होती है कि भाई लड़का जरूर होना चाहिए और लड़का होने की चाह में बहुत सारी लड़कियां अगर पैदा हो गई हैं तो बार बार लोग कंसेप्शन के लिए ट्राई करते रहते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड्स आसानी से उपलब्ध नहीं हैं या उपलब्ध भी हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो लोग उन पर पैसा नहीं खर्चना चाहते है ना एवर्जन फ्रॉम फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन करना ही नहीं चाहते लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे अनपढ़ता है इलिटरेसी है दूसरा क्या हुआ अगर मैं आ, आज़ादी के बाद की बातें करूं 1947 में भारत आज़ाद हुआ है तो 1950 के बाद की सिचुएशन हम देखें तो तब क्या था कि भाई उतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस नहीं थी है ना बहुत सारी बीमारियां भी थी उनके लिए इलाज नहीं था तो लोगों का टोटल जो लाइफ स्पैन था वो कम था मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी तो उसे कंपनसेट करने के लिए लोगों में क्या मानसिकता होती थी? थी कि भाई ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पैदा करो आप अक्सर सुनते होंगे आपके घर परिवार में कि दादी आपको बताया करती होंगी कि भाई हमारे तो आठ भाई बहन थे या दादी की दस मौसियाँ थी चार मामा थे यू मस्ट हैर्ड ऑफ दिस थिंग तो ये बहुत पहले हुआ करता था ऐसा आई होप यू विल एग्री टू दिस थिंग वे एम सिंग है ना तो ये सारी चीजें कारण बनी जनसंख्या के बढ़ने की अब जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो समस्याएं बढ़ेंगी भोजन की स्केर्सिटी हो जाएगी है ना ऑफ कोर्स फंड्स का शॉर्टेज होगा ओवर कंजम्पशन हो रहा है अर्थ की रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज हो रही हैं पूरा इकोसिस्टम पर्यावरण जो है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा असंतुलित हो जाएगा वो यानी इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज हो जाएंगे यू ऑल एग्री टू दिस थिंग है ना तो इसका मतलब है कि भाई जनसंख्या को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। आप जानते हैं 1952 में नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग ये ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब मैंने यहां पे लिख दिया ना दैट दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इंडिया वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट अ स्मॉल फैमिली सो अवेयरनेस अबाउट प्रोग्राम्स बॉट थ्रू स्टैम्प्स पोस्टर्स पहले ना छोटी छोटी स्टैंप भी आती थी जैसे किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो उसके ऊपर हमें टिकट लगानी होती थी ना स्टैंप कहते हैं तो आपने देखा स्टैंप के ऊपर क्या छपा हुआ है अ स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली छोटा परिवार सुखी परिवार हम दो हमारे दो जोड़ी वही जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार तो इस तरह के स्लोगन जो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करते हैं ये बड़े लंबे समय से चले आ रहे हैं तो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करी हैं लोगों को जागरूक बनाने के लिए शिवानी नितिन कौस्तभ ठीक है जी राइट right? सना अंकुर वेदांत इज दिस पॉइंट क्लियर बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं जो हमें पता होनी चाहिए नो no. नाइनटीन में अब एक ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा नीट में एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना आरसीएच आरसीएच स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम राइट ऑब्जेक्टिव क्या है जो शुरुआत के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स थे ना, अब वो इस टाइटल के साथ चल रहे हैं। बात करना ही एक टैबू माना जाता है मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ओपनली आप सोसाइटी में सेक्स जैसे शब्द का उच्चारण भी कर पाएं तो अगर इतना कंजर्वेटिव माहौल होगा तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे फिर है ना बड़ी विडंबना की बात है कि भारत जैसा देश जहां पे सेक्स जैसे विषय पे हम बात नहीं कर सकते वहीं पे एच एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस जो है विच इम्यूनो इम्यूनोडेफिशंसी सिंड्रोम वो इतनी तेजी से फैल रहा है टॉप थ्री कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में टॉप थ्री कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है एच आई पेशेंट्स में है ना समझने वाली बात है ना क्लियर है जी राइट आशीष मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया आर ऑल्सो वॉचिंग सो काइंडली स्पीक इन इंग्लिश सी आशीष द थिंग इज आर चैनल इज फॉर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तो वी यूज बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी में भी बोल रहा हूं आपको इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ साथ साथ सो यूल हैव टू मेंटेन दिस बैलेंस आपको भी थोड़ी बहुत हिंदी जरूर आनी चाहिए है ना ओके वेल दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग मेटरनल हेल्थ चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन जच्चा एवं बच्चा से रिलेटेड हर तरह की हमें सुविधा देना जरूरी है एंड दीज प्रोग्राम्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स दे मॉनिटर द ओवरऑल वेल बींग ऑफ द मदर एंड चाइल्ड शुड बी मेजर्स टू अवॉइड अनवॉन्टेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजे एस टी आईज अब आप एनसीआर में देखेंगे इट इज मैंक्शुअली ट्रांसमिटेड इनफेक्शन अर्लियर इट वॉज एस टी डीज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजे तो इनके बारे में भी जानकारी होना बड़ा जरूरी है जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप यू पीपल आर क्वाइट एडवेंचरस यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर लॉट मेनी थिंग्स तो गलत इंफॉर्मेशन कई बार में इकट्ठी कर लेते हैं एक बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है जो कोई आपकी एज का है तो वो किससे डिस्कस करेगा फैमिली में डिस्कस करने से डर लगता है टीचर के साथ आप डिस्कस नहीं करेंगे यू हैव दैट हेजिटेशन तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में यू स्टार्ट डिस्कसिंग या अपने से किसी सीनियर से बात कर ली या फिर आपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कोई फ्रेंड बना रखा है उससे पूछ लिया है ना आपको लगता है कि आप एनोनिमस रहे आपकी आइडेंटिटी छुपी रहे पर आपकी समस्या का समाधान हो जाए आपकी जिज्ञासा का समाधान हो जाए ऐसा होता नहीं है असल में ज्यादातर देर आर हाई चांसेस कि आप गलत शख्स की संगत में आ जाएंगे और गलत बात जो है वो आपको पता चलेगी यू गेटिंग गेडिंग आई एम ट्राइंग टू से ठीक है जी ना पॉलिसीज के आउटकम्स हैं दैट एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर फॉर प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रेग्नेंसी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एबॉर्शन मैंट्रोल प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी राइट देन दर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर सी एच रिपोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम रिड्यूसड एम एम आर एंड आई एम आर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेटरल मोर्टेलिटी रेट में कमी लाना जरूरी है बच्चे को पैदा स, ख, करते समय कहीं माँ की मृत्यु ना हो जाए पूरी सुविधाएं पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध होनी चाहिए आप जानते हैं कि शादी के लिए उम्र जो है लड़कियों के लिए अट्ठारह और लड़कियों के लिए इक्कीस आपने सुना होगा बीच में ये भी बातचीत चली थी कि लड़कियों के लिए 18 क्यों है और लड़कों के लिए 21 क्यों है डू यू नो ये बात भी मीडिया में काफी चल रही थी पिछले कुछ दिनों में लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ ब्रॉट अवेयरनेस अमंग द पीपल ना लिटरेसी रेट बढ़ेगा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो ये समझेंगे कि बहुत बड़ा परिवार होगा तो उसके नुकसान क्या हैं सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा भारत में भी कई स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन जैसा टॉपिक एक सेंसिटिव टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस चीज़ में ठीक है जी खुशी कह रही हैं अब एज इंक्रीज हो गई हाँ वो बात मैंने बोली है फर्टाइल कपल्स को जो फर्टाइल कपल्स हैं उन्हें एजुकेट किया जाना चाहिए अलग अलग बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में कि क्या क्या गर्भ निरोधक अवेलेबल हैं गर्भवती महिला की रेख दे, देख देखभाल कैसे करनी है द केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी पोस्ट नेटल केयर बच्चे के जन्म के बाद भी रख रखाव केयर सब चीजें बहुत जरूरी हैं ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान माँ को स्वयं बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए द रीजन इज बिकॉज मदर्स मिल्क इज वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द बेबी उसमें एंटीबॉडीज होती है सिक्रिटरी एंटीबॉडी कैन यू टेल मी कौन सी एंटीबॉडी होती है जी रहमान साहिल बता सकते हैं जी मोहन सुष्मिता बताइए जल्दी से कैन यू नेम द एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क जल्दी से अहमद हिंदी भी बोल रहा हूं साथ सा। बताइए मदर्स मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी है मुस्कान कम ऑन क्विकली आई जी ए इट इज इम्यूनो अल्फा एल्फा आई जी ए जो होता है ना बच्चे इसको सिक्रिटरी एंटीबॉडी कहते हैं इट इज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क एंड इट इज वेरी गुड फॉर द बेबी यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए भाई प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बच्चों को जानकारी देना जरूरी है अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना सही तरीके से उन्हें पता हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी हमें प्रॉपरली जो है नहाते समय डेली वॉश करना है कौन सा साबुन इस्तेमाल करना है सब तरह की जानकारी होना जरूरी है एडोलिस से रिलेटेड किशोरावस्था से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं मुहासे से हो जाना एक्ने कॉमन समस्या है कुछ में कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाती पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है मन इधर उधर भटक रहा है कहते हैं ना डोलिसन से की ऐसी है दैट योर इंटेलिजेंस इज हाइजैक्ड बाय योर हॉर्मोन्स आपकी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं आपके शरीर में होने वाले रासायनिक बदलाव ओके सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की जानकारी होनी चाहिए ये भी बड़ा जरूरी है ठीक है प्रेम बेटा इज इट क्लियर मेरे बच्चे चलो आगे बढ़ू मैं नो रिसर्च ऑन न्यू और बैटर एंड ईजी टू यूज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो पॉलिसीज हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स उनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि नए तरह के गर्भ अनुरोधक मैथड्स फैमिली प्लानिंग मेथड्स भी जरूर ढूंढे जाएं जैसा कि आपने सुना होगा सहेली पिल के बारे में सहेली पिल पे क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में एक नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल है फीमेल्स के लिए नॉन हार्मोनल या नॉन स्टेर कह दीजिए तो ले सकती है इट वॉज डेवेलप्ड बाय सी डी आर आई ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा दिस कैन बी फ्रेम डेज अ क्वेश्चन इन नीट सी डी आर आई स्टैंड फॉर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट शिवांगी प्रिया मुस्कान मोहन याद रहेगी फुल फॉर्म सबको ठीक है जी दिस पेल इज रिकमेंडेड टू लेक्टेटिंग फीमेल्स ऑल्सो ना रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत यह भी देखा गया बैन ऑन फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड कि भाई एमनियोसेंटेसिस वैसे तो बड़ी यूजफुल टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड निकालते हैं प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में से बाय अ नीडल विच इज गाइडेड बाय अल्ट्रासाउंड एमनियोसेंटेसिस uh, के जरिए हमें क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स का पता चल जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का पता चलता है लेकिन एक डिसएडवांटेज ये हो जाती है एक डीमेरिट ये है कि हमें ये भी पता चल जाता है दैट द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज क्रोमोसोम्स एक्सैक्स और एक्स वाई तो उससे क्या है बच्चे का जेंडर पता चल जाएगा है ना तो मिसयूज हो सकता है फीमेल फीटिसाइड के लिए तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस का गलत इस्तेमाल करना जो है वो बैंड है ओवरऑल एमनियोसेंटेसिस टेक्निक बैंड नहीं है इट इज़ अ वेरी यूजफुल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक आयशा ने सही कहा सेंटक्रोमैन होता है किसमें सहेली पिल में मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे अल्ट्रासाउंड टेक्निक का गलत इस्तेमाल करना ये भी बैंड है ये भी नहीं होना चाहिए सोनोग्राफी का ठीक है जी गलत इस्तेमाल नहीं करना देन वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकल शॉप एंड हेल्थ केयर सेंटर्स ये सब होना चाहिए सारी आइडियल बातें हो रही हैं इनमें से कितनी फॉलो हो रही हैं कितनी नहीं ये एक अलग बात है शिवांगी समझे आप अब लिखा है जी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होना चाहिए हाँ ठीक है गांव देहात में जो सरकारी हेल्थ सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स वहाँ पे कॉन्डम्स uh, भी मुफ्त में बांटे जाते हैं डू यू नो दिस ब्रांड ऑफ कॉन्डम निरोध इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द गवेंट हेल्थ सेंटर्स देन सरकारी अस्पतालों में कॉपर टी जो होती है फीमेल्स के लिए ये भी मुफ्त में लगाई जाती है तो सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न कर रही है लेकिन समझ लोगों में भी तो होनी चाहिए ना अल्टीमेटली ठीक है जी देर आर सर्टन स्टेट विच शो लेस देन टू परसेंट ऑफ द फर्टिलिटी रेट ऑल्सो ओके ठीक है जी बढ़ सकते हैं आगे ना हाउ केन वी डिफाइन रीप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल वेल वेलबींग इन ऑल द दस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब अगर आप एक इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह रहे हैं तो सिर्फ फिजिकली हेल्दी होने से काम नहीं चलेगा मेंटली इमोशनली सोशली उसका जो बिहेवियर है वो सब चीजें सही होनी चाहिए आपने हेल्थ की डेफिनेशन में भी पढ़ा है डब्ल्यू एच ओ ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल वेलबींग है ना तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कुछ उसी तरह से अंकुर कह रहे हैं कि कॉपर्टी जो है अर्बन एरिया में फेमस है नहीं अंकुर आप गलत कह रहे हैं अमंग द अर्बन फीमेल जो शहरी महिलाएं हैं उनमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज्यादा पॉपुलर है गाँव देहात में कॉपर्टी ज्यादा पॉपुलर है कृपया ये बात ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड हिंदी में कह देते हैं गर्भ निरोधक वॉट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड अ मैथड विच अलाउज द सेक्शुअल इंटरकोर्स बट प्रिवेंट्स प्रेग्नेंसी एक ऐसा मैथड जो ये कहता है कि सेक्शुअल इंटरकोर्स तो अलाउड है परमिटेड है पर गर्भ नहीं ठहरना चाहिए प्रेग्नेंसी नहीं होनी चाहिए ठीक है जी दैट इज अ कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट एंड कॉन्सेप्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रेगनेंट ना देर आर थ्री चेक पॉइंट वेयर द बर्थ कैन बी न बी कंट्रोल्ड एक फीमेल के केस में आप ओवुलेशन के लेवल पर रोक सकते हैं ऐसी पिल्स बना दीजिए जो ओवुलेशन ना होने दें अगर ओवुलेशन हो गया तो कोई ऐसा मेथड डेवलप कर दीजिए कि अब फर्टिलाइजेशन ना हो और स्पर्म मिल ना पाए कोई बैरियर बना दें उनके बीच में मान लीजिए वो फर्टिलाइज हो भी गए हैं तो यूट्रस को अनसुटेबल कर दीजिए कि इंप्लांटेशन ना हो ठीक है जी नोट कर रहे हैं ये चीजें साथ साथ इज इट क्लियर सुष्मिता मुस्कान बताइए इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नोट्स बना रहे हैं साथ साथ आप सब लोग बताइए मुझे नोट्स बना रहे हैं ना साथ साथ कम ऑन क्विकली चलो बढ़ू आगे आगे बढ़ते हैं जी बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फीचर्स क्या क्या होना चाहिए दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप गौर से पढ़िए गौर से पढ़िए इस चीज को आप गौर से पढ़िए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट दिस रहमान कह रहे हैं कि मैं नोट्स बना रहा हूं आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव मैथड यूजर फ्रेंडली होना चाहिए इजिली अवेलेबल इफेक्टिव होना चाहिए इट शुड नॉट इंटरफेयर विदेशुअल इंटरकोर्स और द सेक्शुअल प्लेजर सेक्शुअल ड्राइव के साथ भी इंटरफेयर ना करें और ये रिवर्सिबल या विद मिनिमम साइड इफेक्ट होना चाहिए रिवर्सिबल या विद मिनिमम साइड इफेक्ट होना चाहिए क्लियर है दिस ट फ्रेंडली -friendly, -friendly भी हो भाई महंगा भी ना हो आसानी से उपलब्ध हो ईजिली अवेलेबल हो इट शुड नॉट इंटरफेयर विदेश नोट कीजिए जल्दी ठीक है जी आगे बढ़ सकते हैं ओके कॉन्टरसेप्टिव मैथड्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी आर नेचुरल मैथड्स देर आर बैरियर मैथड्स there are chemical methods, there are implants also and there are surgical methods also. Surgical methods mein aap jante hain tubectomy for females and then vasectomy for males. अलग-अलग categories हैं कि contraceptive methods की जो अभी हम discuss करने जा रहे हैं। Note कर लीजिए इतना फिर हम आगे बढ़ते हैं। Well कॉन्टरसेप्टिव मैथड्स को हम इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई टेम्परेरी मैथड एंड परमानेंट मैथड टेम्परेरी मैथड वो होते हैं वेन द इफेक्ट ऑफ द मैथड लास्ट टिल द टाइम कपल यूज द मैथड जब तक कपल मेथड को यूज कर रहे हैं तब तक उसका असर बना रहेगा एंड वेन द स्टॉप यूजिंग द मैथड द फर्टिलिटी रिज्यूम्स इमीडिएटली आफ्टर

जिसको हम रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड भी कहते हैं नोट करते जाइए साथ साथ नेचुरल मेथड में नंबर वन पेरियोडिक एब्सटीनेंस एब्सटीनेंस मींस स्टे अवे राइट रिदम मेथड भी कहते हैं इसे या हम इसे ये भी कह देते हैं कैलेंडर मेथड दूसरा है क्वाइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड ठीक है एंड तीसरा है लेक्टेशनल एमेनोरिया शॉर्ट में एल ए एम कह देते हैं लेक्टेशनल एमेनोरिया मेथड जिसमें एबसेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मैं सारे एक्सप्लेन करता हूं नो व्हाट इज दिस रिदम मेथड और पीरियोडिक एप्स ये मेथड ये कहता है कि भाई जब फीमेल का फर्टाइल पीरियड है आपको टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन पता होनी चाहिए ओवुलेशन कौन से दिन हो रहा है ये पता होना चाहिए तो ओवुलेशन के आसपास के जो दिन होते हैं वहां पे फर्टिलिटी सबसे ज्यादा है ओवरी से जो एग सेल ओवर रिलीज हुआ है उसके फर्टिलाइज होने की संभावना सबसे ज्यादा है तो उन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए अब मान लो किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल 28 दिन का है सभी फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का नहीं होता इट कैन बी ऑफ 35 डेज इट कैन बी ऑफ 40 डेज 40 दिन का भी हो सकता है तो पहले इस फीमेल का फर्टाइल पीरियड डे ऑफ ओवुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगी एक सिंपल फार्मूला है ओवुलेशन अकर्स 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंसेस से चौदह माइनस करो तो जो डे फोर्टी बनेगा ना ये उस फीमेल का डे ऑफ ओवलेशन होगा अगर किसी का साइकिल पैंतीस दिन का थर्टी फाइव डेज का है तो आप थर्टी फाइव में से फोर्टीन माइनस कर दो वो उसका डे ऑफ ओवुलेशन बनेगा अब जो डे ऑफ ओवुलेशन है ना उसमें भी ध्यान रखना है कि भाई जब ना हो सकता है इट कैन बी डे थर्टीन इट कैन बी डे ट्वेल्व इट कैन बी डे फिफ्टीन इट कैन बी डे सिक्स प्लस माइनस टू डेज हो सकता है प्रेरणा अंकुर क्लियर इतनी बात ठीक है प्लस माइनस टू डेज होता है अब आपको स्पर्म का सर्वाइवल टाइम भी मद्देनजर रख लें एक बार जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है में सेमिनल डिपॉजिट होता है तो स्पर्म बहत्तर घंटे तक सेवेंटी टू आवर्स तक यानी थ्री डेज तक जिंदा रहते हैं तो उन थ्री डेज में उनकी ओवा को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी बेस्ट होती है पहले दो दिन फोर्टी एट आवर्स तो मान लो इस पर्टिकुलर फीमेल का फोर्टीन डे पे ओवुलेशन है तो हमें मान के चलना है कि भाई तेरह या बारह को भी हो सकता है तो अगर इसमें आप देखिए डे दे टेन पर भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस हैं दसवें फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचे वो तीन दिन तक जिंदा रहेंगे तो मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स दो दिन पहले हुआ उसके बाद ओवुलेशन हुआ तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा नाउ यू गॉट दिस थिंग इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो द कपल इज एडवाइज टू एवॉइड क्वॉटस फ्रॉम डे टेन टू सेवनटीन ऑफ द मेन्स्ट्रल साइकिल दसवें दिन से सत्रवें दिन तक के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए अगर वो चाहते हैं दैट दे डोंट वांट टू हैव बेबीज अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं लेकिन ये कोई 100 परसेंट फूल प्रूफ मैथड नहीं होता बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ओवलेशन के दिन को प्रभावित कर देते हैं फीमेल में कोई और हार्मोनल डिस्टरबेंस तो नहीं है डाइट न्यूट्रिशन है ना इमोशनल स्टेट सो मेनी फैक्टर्स विच कैन डिस्टर्ब द डे ऑफ देशन तो इसका ड्रॉबैक वही है दैट द एक्चुअल टाइम ऑफ द देशन कैनोट बी प्रोडिक्टेड है ना हंड्रेड परसेंट फूल प्रूफ नहीं होता ये इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बताइए आप मुझे थम्स अप साइन भेजिए लिख करके बताइए सर दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर देन आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड अगर आपको ये क्लियर है देन आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड जल्दी से कम ऑन क्विकली चलिए बढ़ सकते हैं आगे खुशी चलो ग्रेट वंडरफुल पानी भी पी लिया जाए साथ साथ जल ही जीवन है नेक्स्ट मेथड एब्सोल्युटली क्लियर है संदली ने साहिल ने सुष्मिता ने चिरंतन मुस्कान वसु सब ने कहा नेक्स्ट मेथड नेचुरल मेथड इज क्वाइटस इंटरप्टस क्वाइटस इंटरप्टस को विदड्रॉल मेथड भी कहते हैं क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स इंटरप्टस मतलब रोक देना बीच में इससे मतलब क्या है कॉपुलेशन कैन बी परफॉर्म्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन बी परफॉर्म्ड बट मेल पार्टनर विल नॉट इजैक्युलेट द सीमेन इन द विजाइना ऑफ द फीमेल और इवन अराउंड द वल्वा इवन अराउंड द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया अगर एक ड्रॉप ऑफ सीमेन भी वल्वा पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे रिलीज हो गया उसमें भी मिलियंस में स्पर्म हो सकते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन कर दें तो जैसे ही मेल को ये आभास हो फील हो कि इजैक्युलेशन होने वाला है द पार्टनर शुड सेपरेट मेल विल नॉट रिलीज सीमन इन दिजाइना सो मेल विदड्रॉज दीनस फ्रॉम दिजाइना बिफोर इजैक्यूलेन सो इट इज अवॉइडिंग इन सेमिनेशन लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई डिग्री ऑफ सेल्फ कंट्रोल ओवर द मेल पार्टनर दैट द मेल इज एबल टू जज द सिग्नल विच इज बॉडी इज गिविंग दैट इज अबाउट टू इजेकुलेट सो दार्टनर्स है मेल ऑन डिग्री ऑफ यू नो काटल प्रेशर समझतेशन से पहले से जो लुब्रिकेटिंग फ्लूड रिलीज होता है उसमें भी वाइबल स्पर्म होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं हाई चांसेस ऑफ फेलियर है बिल्कुल सही कहा आपने दिस मेथड हैज मैं लिख रहा हूं ये बात ये सवाल पूछते हैं ऑप्शन दिए होंगे कि भाई सिलेक्ट करो इनमें से किस मैथड के देर आर हाई चांसेस ऑफ फेलियर देर आर हाई चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मैथड सो दिस कैन बी फ्रेम्ड एज ए क्वेश्चन इन नीट आगे बढ़े नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड एमेनोरिया वर्ड का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेंसेस का रुक जाना मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का रुक जाना एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये मेथड क्या कहता है सादी भाषा में समझो ये मेथड ही कहता है कि एक बच्चे के जन्म के बाद जब मदर उसे अपने मिल्क पे फीड कर रही है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो वो जनरली प्रेग्नेंट नहीं होती है क्यों क्योंकि इंटेंस लैक्टेशन के लिए इंटेंस वर्ड ध्यान दीजिएगा इंटेंस लैक्टेशन के लिए एक हार्मोन का लेवल बहुत हाई चाहिए प्रोलैक्टिन देर शुड बी हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन बिकॉज प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होने से क्या होता है एल और एफ का लेवल कम हो जाता है प्रोलेक्टिन जल एच और एफ एस एच कम जिसके कारण नो ओवोलेशन और नो मैंस्ट्रेशन सो टिल द टाइम ऑफ फीमेल इज गिविंग हर ओन मिल्क टू द बेबी द चानसेज ऑफ कंसेप्शन आर लेस मेनली ये बच्चे के जन्म के छः महीने बाद तक इफेक्टिव रहता है फिर भी उसके बाद नहीं लेकिन वो भी तब रहेगा अगर इंटेंसलेक्टेशन है सभी फीमेल्स में बच्चे के जन्म के बाद इक्वल अमाउंट में मिल्क रिलीज नहीं होता कुछ फीमेल्स में तो बहुत कम रिलीज होता है है ना तो आपने बहुत से केसेस ऐसे सुने भी होंगे कि भाई अभी एक बच्चा पैदा हुआ है दो तीन महीने बाद फिर से हो in ये बात नोट कर लीजिए प्रोलैक्टिन में जो पी होता है ना बेटा दैट इज फॉर मैं लिख देता हूं ऐसे ध्यान रख लेना पी प्रोलैक्टिन पी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन एक और हार्मोन आपने पढ़ा है ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो होता है इट इज मिल्क रिलीजिंग हार्मोन इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द माओ एपिथिलियल सेल्स विच आर सराउंडिंग द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल मिल्क रिलीजिंग हॉर्मोन कहते हैं उसे याद रहेगा सार्थक प्रोलेक्टिन के स्पेलिंग ठीक लिखो सो इलेक्ट्रेशनल एमेनोरिया मेथड शॉर्ट टर्म है रिवर्सिबल है इफेक्टिव ओनली अप टू सिक्स मंथस आफ्टर पार्चुरेशन बट अगेन इट ऑल्सो हैज हाई फेलियर रेट इसका भी हाई फेलियर रेट है नेचुरल मैथड में से तीन मैथड बता दिए मैंने पीरियॉडिक एप्सटीन या कैलेंडर मैथड जो ये कहता है कि पॉपुलेशन जो है वो उन दिनों में नहीं होना चाहिए जबकि फीमेल का फर्टाइल पीरियड है है ना दूसरा मेथड था विड्रॉल मेथड कि इजेकुलेट्स विजाइना में नहीं करना ठीक है थीके? तीसरा था लेक्टेशनल एमेनोरिया मेथड यानी एबसेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है इतना पॉइंट वंडरफुल जी ऑल माई राजा बेटा रानी बेटिया सो ये थे नेचुरल मैथड अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी ठीक है नेक्स्ट मैं कैटेगरी आपको बता रहा हूं बैरियर मेथड की बैरियर का मतलब क्या है कि अवरोधक पैदा कर देना ओवा एंड को आपस में मिलने नहीं देंगे एक बैरियर लगा देंगे सो स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद हेल्प ऑफ बैरियर्स क्या आप कुछ बैरियर मेथड्स के नाम बता सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कीजिए आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक लाइक द सेशन इफ यू आर एंजॉइंग इट बिल्कुल श्री ने कहा नेचुरल मेथड्स का हाई फेलियर रेट है ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली है ना मुस्कान ठीक है जी नाउ no. अब बढ़ते हम बैरियर मेथड्स की तरफ जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्डम्स के बारे में डायफ्राम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट के बारे में देखो कॉन्डम्स तो इंडिया में फिर भी पॉपुलर है लेकिन ये डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट जो है ये इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है लेट स्टार्ट फर्स्ट विद द कॉन्डम्स लेटेक्स से बने होते हैं दे आर मेड अप ऑफ थिन रबर और द लेटेक्स शीत कॉन्डम्स अवेलेबल फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स ये बात ध्यान रखिएगा जनरली जब हम कॉन्डम की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि मेल के लिए अवेलेबल है ऐसा नहीं है रिसेंटली फीमेल कॉन्डम्स भी मार्केट में आ चुके हैं राइट right? बहुत ज्यादा पुराने तो नहीं है बट दे आर अवेलेबल फेमीडोम जैसे है फेमीडोम इज अ फीमेल कॉन्डम और बट दे आर नॉट मच पॉपुलर इन इंडिया महंगे भी होते हैं फीमेल कॉन्डम्स इतने पॉपुलर भी नहीं है ठीक है जी शॉर्ट टर्म मेथड एंड कॉन्डम्स आर फॉर सिंगल यूज ओनली अगर हम मेल कॉन्डम की बात करें तो इरेक्ट पीनस के ऊपर जो है मेल कॉन्डम को लगाना है बिफोर द इंटरकोर्स अब इसका काम क्या होगा कि सेमिनल जो इजेकुलेट हुआ वो में ही कलेक्ट हो जाएगा वो फीमेल की विजाइना में डिपॉजिट नहीं होगा ठीक है कॉन्डोम्स हमें एक दोहरा फायदा भी देते हैं वो क्या कॉन्डोम्स प्रिवेंट ये क्वेश्चन आता है कॉन्डोम्स दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन दे प्रिवेंट द यूजर अगेंस्ट एस टी आईज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन एनसीआर टी में ना अब एस टी आई लिख दिया टर्म पहले एस टी डी होता था ठीक है जी एस टी डी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अब हमने डिजीज वर्ड को हटा के उसे केवल इन्फेक्शन कहना शुरू कर दिया है सो यू कैन सी दैट द मेल कॉन्डम कवर्स द पीनस द फीमेल कॉन्डम जो है फीमेल डम विजाइना के अंदर अनरोल करना है इट कवर्स एंड सर्विक्स इन केस ऑफ़ क्लियर? आर फॉर सिंगल यूज ध्यान ठीक है नो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड टू बाय अडम फ्रॉम मेडिकल स्टोर शिवांगी कौस्तभ अमन वसु सुष्मिता जया पटेल नितिन अंकुर क्लियर है आई के बारे में भी बताऊंगा अभी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी पढ़ेंगे ना याद रखिएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज द द मेल कॉन्डोम एडवांटेजेस क्या है दे आर प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस एंड एस टी डी या एस टी आई से भी बचा रहे हैं आसानी से उपलब्ध हैं कॉन्डोम एंड आसानी से डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं सेल्फ इंजर्टेबल गिवज प्राइवेसी टू द यूजर किसी दूसरे की सलाह मशवरा उसकी जरूरत नहीं है अपने आप लगा सकते हैं है ना आसानी से उपलब्ध है एंड एज आई टोल्ड यू दैट दर अ ब्रांड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द गवर्मेंट हेल्थ सेंटर्स नाम भी मैंने आपको बताया था उसका दैट वॉज निरोध दैट निरोध ब्रांड इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्मेंट हेल्थ सेंटर्स इसके अलावा यू मस्ट बी अवेलेबल इन दर्ट ये केवल फीमेल्स के लिए होते हैं बट ये इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है डायफ्राम कैसा है? ऐसा इट इज अ रबर लाइक स्ट्रक्चर विदैलिक रिम मेटैलिक रिम होता है रबर लाइक स्ट्रक्चर है पहली बार जब डायफ्राम यूज़ करना है तो विजिट टू तो द डॉक्टर और डॉक्टर कितने साइज का डायफ्राम आपको केमिस्ट से खरीद लेना है और पहली बार कैसे लगाना है ये सिखा दिया जाएगा ना सेक्सुअल इंटरकोर्स से कुछ समय पहले डायफ्राम लगा लेना है और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाने के बाद

और डायफ्राम के साथ स्पर्मी साइडल क्रीम या जेली यूज की जा सकती है कि डायफ्राम के ऊपर क्रीम या जेली भी लगा दी जाए जो स्पर्म्स को किल कर इंजर्टेड इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बिफोर द क्वाइटस सेक्शुअल इंटरकोर्स से बीस पच्चीस मिनट पहले लगा लेना ताकि वो पूरा सर्विक्स को फिट हो जाए अच्छे से ठीक है जी नीड टू बी कैप्ट इंजर्टेड फॉर एटलीस्ट सिक्स आवर्स आफ्टर क्वाइटस सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद भी कुछ समय तक उसे लगा रहने देना है बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं अंदर रहने देना है ना ओवरनाइट नहीं रहने देना कि भाई 10 घंटे 12 घंटे डायफ्राम अंदर रहा दैट कैन रिजल्ट इन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम राइट डायफ्राम्स रीयूजेबल हैं ये बात भी ध्यान रखिएगा इंडिया में पॉपुलर नहीं है अब आप देख लीजिए यहां पे डायफ्राम कर क्या रहा है कैन यू सी दिस डायग्राम यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि डायफ्राम ने सर्विक्स को कवर करा हुआ है स्पर्म्स को आगे अंदर नहीं जाने देगा सर्वाइकल कैप डायफ्राम की ही थोड़ी सी वेरिएशन है शेप में वॉल्ट कैप भी थोड़ा सा वेरिएशन है हाँ हिमांशु ये रीयूजल होते हैं बिल्कुल ये बात मैंने पहले ही कही दैट डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड आर एंडल बट कॉन्डम्स आर नॉट रीयूजल सिंगल यूज के लिए इज इट क्लियर जी नेचुरल मैथड्स क्लियर बैरियर मैथड्स क्लियर कैन वी मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ सकते हैं जब भी मैं ऐसे करूं ना थम्सअप इसका मतलब है प्रेस द लाइक बटन जल्दी से पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नोट्स बन रहे हैं साथ साथ चिरंतन कॉपर टी इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रोसेप्शन इन रूरल इंडिया गांव देहात में सुष्मिता आप बार बार क्या लिख रहे हो ईयर का एग्जाम हुआ मतलब क्या हुआ यू आर एन एमबीबीएस सेकंड ईयर क्या कहना चाह रहे हो केमिकल कॉन्ट्रोसेप्टिव की तरफ बढ़ते हैं कॉन्ट्रोसेप्टिव इन विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स आर यूज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन और टू अवॉइड इम्प्लांटेशन जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए अंकुर बेटा और केमिकल्स यहां पे हमारा मतलब क्या है हॉर्मोन्स जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनमें हॉर्मोन्स ही तो हैं सो स्मॉल डोजेज ऑफ या तो प्रोजेस्टोजन सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टीरोन प्रोजेस्टोजन कहते हैं उसे या प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है और फीमेल्स के लिए ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना ओसी आर फॉर फीमेल्स कई तरह की होती है ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स प्रोजेस्ट्रोजन अलोन जिसमें केवल हॉर्मोन है प्रोजेस्ट्रोजोन प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन वाली पिल्स दीज आर कॉल्ड कंबाइंड ओरल कैसे काम करती है

एक फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल 28 डेज का है ठीक है जी सो पिल हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम डे फिफ्थ ऑफ द साइकिल टिल डे ट्वेंटी फिफ्थ तो पांचवें दिन से पच्चीसवें दिन तक गोली खाई मतलब 21 दिन तक उसने टेबलेट लेनी है और डे वन से क्या मतलब है विच इज द डे वन ऑफ द साइकिल द फर्स्ट डे ऑफ मैं ब्लीडिंग इज काउंटेड एज डे वन ऑफ द साइकिल द फर्स्ट डे ऑफ मैं ब्लीडिंग इज डे वन ऑफ द साइकिल तो पहले दिन जब ब्लीडिंग हुई तब गोली नहीं खानी दूसरे दिन नहीं खानी तीसरे दिन नहीं खानी चौथे दिन नहीं खानी पांचवें दिन से गोली शुरू करनी है एंड इट हैज बी टेकन एट अ डेफिनेट टाइम अगर पहली बार रात के दस बजे खाइए डिनर के बाद तो फिर वही रूटीन रखनी है आगे पीछे नहीं करना है ना और पच्चीसवें दिन तक गोली खानी है फिर छब्बीस सत्ताइस 28 नहीं खानी तो छब्बीस सताइस 28 नहीं खाई एक दो तीन चार नहीं खाई मतलब सात दिन गोली नहीं खाई वन वीक तक नहीं खाई और थ्री वीक्स तक खाई इक्कीस दिन थ्री तो होते हैं तो हम कह सकते हैं थ्री वीक्स इज ऑन द पिल एंड वन वीक इज ऑफ द पिल राइट right? अब एक पढ़ी लिखी महिला ही ये दिनों का ध्यान रख सकती है तभी मैंने कहा कि गांव देहात में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि अगर कोई फीमेल इलिटरेट है अनपढ़ है तो वो ध्यान ही नहीं रख पाएगी कि साइकिल का दिन कौन सा है और पैक ऑफ पिल्स में से कौन सी गोली किस दिन खानी है ये भी गड़बड़ कर सकती है वो पढ़ी लिखी महिला तो ये पढ़ लेगी ना ये पहले दिन की गोली है ये दूसरे दिन की है किस दिन की गोली है अब इसमें भी क्या होता है कि देखो भाई एक प्रेशर तो रहता है कि भाई हाई पांचवें दिन से शुरू करना कहीं दिन की गड़बड़ ना हो जाए तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना ऐसा पैक ऑफ पिल्स बना दिया जाए जिसमें पूरी की पूरी अट्ठाईस गोलियां ही होंगी जो शुरुआत के दिनों की गोलियां हैं डे वन डे टू डे थ्री डे फोर ये वाली जो पिल्स होती है ना ये सिंपली हम शुगर कोटेड पिल्स बना दें या ये हम विटामिन सप्लीमेंट पिल्स बना दें है ना ताकि फ़ीमेल की एक रूटीन बनी रहे उसे बोलो कि इस पैक में जो गोलियां हैं ना शुरुआत वाली चार गोलियां भी आपको खा लेनी है दस बजे तो रोज गोली खानी है रोज खानी है तो फिर ये क्या है कि कोई ये याद रखने वाली जरूरत नहीं है कि किस दिन खानी थी और किस दिन नहीं खानी थी हमने पेशेंट से कह दिया इस पैक ऑफ पिल्स में जितनी गोलियां आपको रोज खानी है पर सीक्वेंस है पहले दिन वाली गोली कौन सी दूसरी कौन सी तीसरी कौन सी चौथी ये पूरा उसके ऊपर लिखा होता है एरो बना होता है उसी हिसाब से हमें चलना है ऐसे ही दिन के बाद जो पच्चीसवीं गोली होगी ट्वेंटी रंग अलग होगा उसमें भी हार्मोन नहीं है वो शुगर कोटेड पिल मिनरल सप्लीमेंट विटामिन सप्लीमेंट पिल हो सकती है समझ आ रही है आपको ये बात ठीक है तो हमने फीमेल को ये कह दिया ये रहा गोलियों का पत्ता रोजाना गोली खाना लेकिन ध्यान रखना डेफिनेट टाइम पे खाना गड़बड़ मत करना टाइम का जो गोली के ऊपर जो दिन लिखा है वो उसी दिन खानी है क्योंकि हर बढ़ते दिन के साथ गोली के अंदर हार्मोन का लेवल चेंज हो रहा है ये ऐसे नहीं कि जैसे घर में डिस्प्रिंट का पैरासिटामोल का पत्ता लेके आते हैं कहीं से भी गोली निकाली गटकली नहीं ये पूरा स्पेशली डिजाइन पैक है जिसमें सीक्वेंस बना होता है उसी सीक्वेंस में गोलियां खानी है लिखा होता है मुस्कान बिल्कुल क्लियर आपने सही कहा ठीक है जी सो बिकॉज यहाँ पे हार्मोन लिया जा रहा है बाहर से तो प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन सिंथेटिकली जब ब्लड में जाएगा प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहेगा तो एल और एफ को कम कर देता है तो जब पिल्स ले रही है फीमेल तो उसमें ओवोलेशन नहीं होता ठीक है जी दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी दिस पॉइंट इज इज इंपॉर्टेंट दैट द ऑफ ऑफ एक्शन पिल्स अब ध्यान रखना इफ शी फॉरगेट्स टू टेक पिल ऑन अ पर्टिकुलर डे अगर एक पर्टिकुलर दिन गोली खाना भूल जाए तो क्या होगा कोई बात नहीं अगले दिन दो गोलियां खा ले सेम टाइम पे है ना मान लो साइकिल के सोलह दिन पे गोली खाना भूल गए कोई, भी, कोई रीजन हो सकता है घर पे मौजूद नहीं थे घर से बाहर गए हुए थे गोलियों का पता साथ में नहीं था यहाँ भूल गए तो सोलवे दिन अगर भूले तो अगले दिन सत्रवे दिन पे आप दो गोलियां खा लीजिए टाइम सेम रखना है भाई अगर दस बजे शुरू करी थी तो दस बजे बट इफ शी फॉरगेट्स टू टेक पिल ऑन टू कॉन्जिक्यूटिव डेज अगर दो दिन लगातार भूल गए नो लॉन्गर सेफ तो फिर उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए कॉन्डोम या कोई और मेथड भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी ना हो जाए और गोली खाने की रूटीन भी बनाए रखनी है पिल्स केवल फीमेल्स के लिए ये ध्यान रखिएगा बहुत समय पहले चाइना में मेल्स के लिए भी एक पिल डेवलप करी गई थी कॉटन सीड ऑयल से गोसीपोल पिल कहते हैं उसे लेकिन ये चल नहीं पाई इट फ्लॉप्ड इन द मार्केट गोसीपोल पिल इट वाज डेवलप्ड फॉर मेल्स इन चाइना मेनी इज अगो बट इट मार्केट ये पिल क्या करती थी स्पम प्रोडक्शन को रोकती थी बट साथ के साथ टेस्टोस्ट्रॉन हार्मोन का लेवल भी डाउन कर देती थी तो अगर टेस्टोस्ट्रॉन हार्मोन का लेवल डाउन चला जाएगा पूरी मेल फिजियोलॉजी इफेक्ट होगी उससे सो देन दिस पिल डिड नॉट वर्क इन द मार्केट ध्यान रखिएगा गॉस्पॉल पिल कहते हैं चलिए ओवरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ प्रोजेस्टिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन एफिशियंसी काफी है लेकिन कई लिमिटेशंस हैं जिन फीमेल्स को ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है थायराइड प्रॉब्लम है ओवरवेट जो हैं या जो अपने पहले बच्चे को अपना मिल्क पिला रही हैं उनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं दे सकते माँ के दूध के जरिए हार्मोन बच्चे तक भी पहुंचेगा तो उन्हीं के लिए फिर वो नॉन स्टीरॉयडल पिल बताई थी ना मैंने सहेली पिल छाया के नाम से भी आती है वो डेवलप करी गई जो फीमेल्स कॉन्टेक्ट लेंस लगाती हैं उनको भी हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते कार्डियोवेस्कुलर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या उसकी फैमिली में कैंसर का कोई हिस्ट्री रही है तो भी हम नहीं देते बहुत सी फीमेल्स में देखा गया है कि पिल्स लेने से कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ठीक है जी ब्लड में अब नॉर्मल क्लॉट्स बनने लग जाते हैं क्योंकि स्टीरोइड्स है ना तो स्टीरोइड कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो दिखाई देगा नेक्स्ट इज कि रोज रोज हार्मोन की गोली खाने से अच्छा कि भाई कोई ऐसा मेथड बना दीजिए कि इंजेक्शन की फॉर्म में उसे ले लिया जाए सो so, इंजेक्शन में डेपो प्रोवेरा है शायद आपने नाम सुना हो डेपो प्रोवेरा ये इंजेक्शन फीमेल के लिए हफ्ते ये महीने में एक बार तीन महीने में एक बार लगाना है थ्री मंथ्स तक इफेक्टिव हो जाते हैं डॉक्टर के पास गए इंजेक्शन लगवा लिया उसके बाद आपकी चिंता खत्म लेकिन इनकी भी समस्या बहुत सी फीमेल्स में तीन महीने तक मेंस्टुरल ब्लीडिंग ही नहीं होगी क्योंकि हार्मोन का लेवल चला गया शरीर में एक साथ ज़्यादा तो मैंसेज नहीं हो रहे अब अगर मैंस्ट्रल ब्लीडिंग ही नहीं हो रही तो फीमेल को ये कैसे पता चलेगा कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई इसीलिए ये इंजेक्शन भी इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अब इंजेक्शन से भी बढ़ के आगे सब डरमल इम्प्लांट भी हैं इंडिया में भी अवेलेबल है और भी कई कंट्रीज में सब डरमल इम्प्लांट जो हैं ऐसे छोटे छोटे जैसे माचिस की तीली होती है ना इसके साइज के सिलियास्टिक सिलियास्टिक होते हैं सिक्स कंटेन हॉर्मोन इनके अंदर हॉर्मोन बना हुआ है सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टिड राइट इसकी एग्जाम्पल है जैसे नॉर प्लांट इसके अलावा इम्प्लानन भी होते हैं सो फीमेल के लिए माइनर सर्जरी करके लेफ्ट आर्म लेफ्ट अपर आर्म के अंदर की तरफ लगा देते हैं लेफ्ट आर्म का अपर साइड हम इसलिए यूज करते हैं कॉस्मेटिक रीजन की वजह से ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं तो भाई अगर राइट हैंड से ऐसे ऊपर करके लिखेंगे कोई काम करेंगे तो वो दिखता है फिर दिखाई देता है इसलिए लेफ्ट हैंड यूज करते हैं ये एक बार लगा दिया तो ये तीन साल तक भी काम करेगा और फिर तीन साल बाद जाके इसे निकालना पड़ेगा डॉक्टर के पास ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है कि अंदर ही अंदर यह खत्म हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होता और कई बार इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके चारों तरफ फाइब्रस टिश्यू इतना ज्यादा बन चुका होता है कि ये निकल ही नहीं पाते है। ठीक है जी अब ये इम्प्लांट्स की भी गड़बड़ है बहुत सी फीमेल्स में ही होता है तीन साल तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ही नहीं हो रहा तो बहुत सी कंट्रीज में ये बैंड है आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा नहीं बना सकते हैं जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही स्टॉप हो जाए क्योंकि उस केस में तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं होगी कि उसके कारण स्टॉप हुआ है आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है मुस्कान अदिति पार्थ सार्थक इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू मजा आ रहा है सेशन में पांच बजे भी सब लोगों ने मिलना है जेनेटिक्स में Kleotropy पढ़ाना है मैंने आपको इतना क्लियर है सब लोग बताइए मुझे जल्दी से फिर हम आगे बढ़ रहे हैं हॉर्मोनल मेथड्स आपको बता रहा था स्किन पैचेस भी आते हैं ट्रांसडर्मल पैच अप्लाइड टू द स्किन उसमें भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन है लेकिन पीरियोडिकली उसे उतारना पड़ेगा अपर टॉर्सो बटक्स अपर आर्म एपडामन इन एरियाज़ में लगाए जाने वाले ये पैचेज हैं बट ये इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं आप जितने भी ये हार्मोनल हमने केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिवस पढ़े ना इनमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं साइड इफेक्ट्स हैं कुछ फ़ीमेल्स में मैंस्ट्रो ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाती है मूड स्विंग्स रहने लगते हैं डिप्रेशन वेट गेन ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाना वेजाइना में इरिटेशन इन्फ्लेमेशन और ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से तो बचाते नहीं हैं कुछ फीमेल्स में सीवियर हेड माइग्रेन नोजिया ये सब लक्षण हमें देखने को मिलते हैं बट दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ठीक है अगर हम अर्बन फीमेल्स में देखें शहरी महिलाओं में ओरल पिल्स काफी पॉपुलर हैं आई राइट है ओसीपीज आर पॉपुलर मैथड कहां पे अमंग अर्बन फीमेल्स इज इज क्लियर और गांव देहात में क्या बताया था कॉपर्टी श्रुति गांव देहात के लिए मैंने बताया था कॉपर्टी ठीक है जी तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कॉन्ट्रोसे में सहेली पिल का मैं जरूर बता देना चाहूंगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन जरूर आता है है सहेली जो नॉन स्टेरॉयडल पिल कहां डेवेलप करी गई इट वॉज डेवेलप्ड एट सी डी आर आई लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज इन लखनऊ इसमें क्या है द केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेंट क्रोमैन इट हैज़ बी टेकन वीकली फॉर द फर्स्ट वीक्स पहले बारह हफ्ते ये हफ्ते में दो बार लेनी है और उसके बाद हफ्ते में एक बार लेनी है तो हम इसको वंस अ वीक पिल भी कह देते हैं ये मुख्य रूप से इम्प्लांटेशन को रोकती है ये भी पूछ लेते हैं कई बारिजम ऑफ एक्शन क्या है इट मॉडिफाइज

छाया सो दिस इज इंपॉर्टेंट इसके बाद नेक्स्ट जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू लाइक द सेशन सब्सक्राइब द चैनल हिट द बेल आइकन कम्युनिटी पोस्ट भी हमारे देखते रहिए एंड इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको जो है वो मिल जाएगा PDF कहां मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना उसमें लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को ज्वाइन करने का टेलीग्राम पे हम अपने सारे नोट्स शेयर करते हैं सारे लेक्चर्स की डिटेल्स शेयर करते हैं सो ऐसे ही और बेहतरीन लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे जेनेटिक्स के लेक्चर भी जरूर अटेंड कीजिए चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है सारे सेशन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी मैं ऑलरेडी

Bye bye. God bless you all. Wish you all a very bright and prosperous future. Stay blessed. Bye bye.